मान के देखिएगा चलिए मैम जो हो रेफ। रही है। यस अच्छा, इसमें आपने दो दो कैंपेन्स के लिए डेटा निकाला है। यस मैम। अब ये यहां से बताइएगा जरा, कार कार टोइंग सर्विसेज। टोइंग सर्विसेज, टोइंग कैंपेन, ओके। तो यस मैम। आपने कीवर्ड्स कैसे लिए हैं इसके लिए, इस वाली कैंपेन के लिए? मैम सिंपली ये कीवर्ड को सर्च किया था, जी जो वेबसाइट्स आई उनमें जो थोड़ी सी अच्छी लगी उसको पिक कर लिया था। ऐसे इस केस में मुझे ये अच्छी लगी थी, इसमें सिर्फ दो ही डिटेल्स थी जिसकी वजह से मैंने इसको पिक कर लिया था। मतलब कार के हवाले से ही डिटेल्स थी, ठीक है। सर्विसेज के हवाले से। बाकियों में और भी बहुत कुछ था तो वो डिफ़िकल्ट हो रहा था पिक करना, तो ठीक है, इसको फिर कीवर्ड्स को बाई साइड से गूगल कीवर्ड प्लानर से एक्सट्रैक्ट कर लिया था, तो वहाँ से पिक कर लिए थे। सही। इस सर्विसेज का मतलब यह है कि ये इसका सर्च वॉल्यूम तो कम होता है, लेकिन ये भी एक हाई पेड लीड्स होते हैं, क्योंकि एमरजेंसीज में ये सर्विसेज काम आती हैं। वो हर कोई तो नहीं ना होता कि हर टाइम जिसकी गाड़ी खराब हो भी कॉल करेगा। ठीक है, जी तो आपने लोकेशन जो है वो आपकी दुबई की है, और अच्छा दुबई और शारजा दोनों है। इसमें आपने एवरेज मंथली सर्चेस रखी हैं, टॉप पेज और टॉपेज ये मैम पीकेआर में है, लेकिन यहाँ पे जो फार्मूला लगा हुआ था वो डॉलर्स के हिसाब से लगा हुआ था, वो इस जी। वाले से वही डॉलर में ही कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, मेरे पास जो शीट है उसमें डॉलर साइन, मैं बेशक पीकेआर में लिख रही हूँ लेकिन डॉलर साइन तो आ रहा है, उसको रिमूव किया जा यस सकता है मैम, ना? ये रिमूव किया जा सकता वो है। ये फार्मूले में फिर वो जाके किया जा सकता है। अच्छा, ये आपका वन साइड हो गई, आपकी कीवर्ड लिस्ट हो गई। तो आपने बाकी बाकी की जो आपकी फोर दी हुई है, कौन सी मैम? 4 पेजेस, पीपीसी बजट। पीपीसी बजट में मैम वो उसको खुद से एस्टिमेट लगाया था 50-50%। मतलब मेन पेज जो आपने काम किया वो सिर्फ और सिर्फ कीवर्ड्स का काम किया है। जी बाकी तो मैम फार्मूले लगे हुए थे वहाँ पे, जैसे सर ने बताया था कि वो इतना होना चाहिए, तो वो खुद ब खुद ही सारे चेंज होते रहे। बजट जैसे, और बजट शेयर 100% होना चाहिए, तो वो 50-50 करके 100 हो गया। इम्प्रेशन जो थे वो कीवर्ड का सम अप था, एवरेज मंथली वॉल्यूम का, क्या है? तो वो सम अप यहाँ पे आ गया, उसकी रीच 100% हो गई। सीटीआर इसका अमूमन जो भी कॉल आएगी मैक्सिमम कन्वर्ट हो ही जाएगी, तो 12% ही रख लिया था मैंने, वो सारी कैलकुलेशन खुद ही हो गई थी। दैट्स सीआर गुड। 4% के हिसाब से हो गया था, तो वो 4 लीड्स बनेंगी। ठीक है, एवरेज कोर्सेज की 54 बनेगी, कार टोइंग की, कार असिस्टेंस की जो होगी वो 3 बनेगी। तो आपने डिसाइड किया कि आप दो कैंपेन्स डिजाइन करोगे और बजट एलोकेट करोगे इक्वली, या एक जी को मैम कम या एक को ज्यादा, कैसे कैसे? बिल्कुल इक्वली किया था वैसे, अच्छा ठीक है, बाकी वो जो मजीद एक्सर्ट्स में जाके फिर बन सकता है, लेकिन अभी कंपेन्स में तो इक्वली किया था। क्योंकि कार टोइंग में भी वो हो सकता है कि वो जिसकी एक्सीडेंट हो गया या कुछ भी हो गया, तो वो उसको कार को लेके जाना है। कार असिस्टेंट में भी मोस्टली ये भी आ सकता है, कार टोइंग भी आ सकती है, कार को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, या फिर कोई छोटे मोटे एरर्स आ गए हैं तो वो असिस्ट करने के लिए आपके पास कोई भी बंदा आ सकता है। बैटरी खराब हो गया या कुछ भी ऐसे इश्यूज हो गए हैं छोटे मोटे, तो वो उसके लिए। तो आपको ये बेसिकली मतलब शीट समझ में आ गई कि इसको सॉल्व कैसे करना है। अब बाकी सारी भी शीट्स आपने, मतलब जो भी आपने असाइनमेंट करनी है उसका सोल्यूशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। यस मैम। ठीक है, इसके अलावा जो सेकेंड हमारे पास असाइनमेंट थी वो थी ऑडिट रिपोर्ट, उसके ऊपर किसने काम किया? उसके ऊपर तो नहीं मैम अभी किया, ठीक है। मैं तो भी आज करने लगा था लेकिन ट्रैकिंग में ही बता रहा। फिर
कोई नहीं, मैंने उस छोड़ वेबसाइट का इशू है तो उसके ऊपर अभी आप ट्रैक ना करो, वो आपके सामने खुली है तो उसकी हालत जरा नासाज है। नहीं, मैं वो आ रहा है कि वो अंडर मेंटेनेंस पे है, वो काम शुरू किया, वो उन्होंने मेंटेनेंस पे लगाई हुई है। जी, तो ऐसा करते हैं कि जो ऑडिट रिपोर्ट है ना उसको ये 2 दिन देख लेते हैं अब ये, ओके मैम, ठीक है? अच्छा आइडिया है। हाँ, ये ताकि हमारी वो असाइनमेंट भी कवर हो जाए बिफोर के हम मतलब सर हमसे पूछें और वो हमारी हो ना, ठीक है? तो ये बेस्ट रहेगा। तो उसके लिए फिर ये है कि मैं इमरान से डिस्कस करके ना आपको बता दूंगी कि उसने कल क्लास लेनी है या नहीं लेनी, या कैसे करना है, या इंडिविजुअल करवाना है, या बेटर यही है कि क्लास में एक दफ़ा उसको गो थ्रू कर लें ऑडिट रिपोर्ट को। यस मैम, ये बाकी अच्छा है, ठीक है। ताकि वो अच्छे से ज़्यादा समझ में आ जाएगी, क्योंकि एक दफ़ा तो समझने से वो मेरा ख्याल है थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड सी है।